कोयले की गहरी खदान से हीरे का टुकड़ा निकालना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक होता है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश चीन में इन मुश्किल कामों को भी आसान किया जा रहा है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि चीन में फूल से हीरा तैयार कर दिया गया है। आखिर फूल से कैसे हीरा बन सकता है और इस हीरे की कीमत क्या है, पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। एक समय था जब हीरा धरती के अंदर से निकलता था, लेकिन अब इसे लैब में तैयार किया जाने लगा है। हालांकि लैब में हीरा तैयार करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। यही वजह है कि आज भी ज्यादातर हीरे जमीन के भीतर मौजूद खानों से ही निकाले जाते हैं, लेकिन चीन के वैज्ञानिकों ने एक फूल से हीरा बनाकर कमाल कर दिया है। चलिए इस पूरे मामले को हम आप तक विस्तार से पहुंचाते हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने पियोनी नाम के एक लाल रंग के खास फूल से 3 कैरेट का हीरा बनाकर इतिहास रच दिया है। आपको बता दें, ये फूल एक समय में चीन का राष्ट्रीय फूल हुआ करता था। चीन के हेनान प्रांत के लुओयांग में इस 3 कैरेट हीरे का अनावरण किया गया। आपको बता दें, इसे बनाने के लिए चीन के वैज्ञानिकों ने पियोनी फूल के कार्बन तत्वों का इस्तेमाल किया था। हीरे बनाने के बाद इसे लुओयांग टाइम प्रॉमिस कंपनी ने लुओयांग नेशनल पियोनी गार्डन को दान कर दिया है। इस हीरे की कीमत की बबात करें तो ये करीब 3 लाख युआन है। भारतीय रुपयों में ये बात करें तो ये करीब 34,53,000 रुपए होगा। इसे बनाने वाली लुओयांग टाइम प्रॉमिस कंपनी के सीईओ वांग जिंग ने चीनी मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये हमारे बायोजेनिक कार्बन निष्कर्षण तकनीक से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि फूलों को हीरे में तब्दील करने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया वो बेहद ही जटिल है। बीते कुछ वर्षों में लैब में तैयार किए गए हीरे बाजार में काफी ज्यादा बिक रहे हैं। दरअसल ये हीरे भी उतने ही रासायनिक कंपाउंड के होते हैं जितने की प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए गए हीरे होते हैं। लैब में जिन हीरों को तैयार किया जाता है उन्हें 2 तरीकों से बनाया जाता है। पहला तरीका है उच्च दबाव उच्च तापमान वाला और दूसरा तरीका है रासायनिक वाष्प जमाव वाला। लैब में एक हीरे को तैयार करने में लगभग 2 महीने का वक्त लगता है, तो वहीं चीन के वैज्ञानिकों ने फूल से हीरा बनाकर इतिहास रच दिया है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।